दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर देखा जाता है जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल रहता है, लंबे टाइम से जिनको शुगर है और उन्हें पता नहीं होता कि हमें शुगर है, और जब वो चेकअप करवाते हैं तो उसे उस टाइम पर उन्हें पता लगता है कि हमें शुगर है, और या फिर जिनको लंबे टाइम से बीपी की दिक्कत है तो उनके यूरिन में प्रोटीन लीक होने की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। दोस्तों शुगर और बीपी एक दो ऐसी बीमारी है जिसका सीधा सीधा असर हमारी किडनी के ऊपर पड़ता है। अगर बीपी आपका ज़्यादा रहता है और आपका शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो यह हमारी किडनी है, किडनी एक छलनी का काम करती है, तो उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर इसका असर पड़ता है और वह हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको वीक कर देती है, जिसके कारण हम जो भी प्रोटीन इनटेक करते हैं, जो भी हमें अपने भोजन के माध्यम से प्रोटीन खाते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म के बाद में हमारे ब्लड के संपर्क में आकर के किडनी तक जाता है और किडनी उसको को छानने का काम करती है, जो कि हमारे जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और जो बॉडी के लिए अच्छे पदार्थ होते हैं वो हमारे खून के संपर्क में आकर के अन्य ऑर्गन तक पहुँचाने का काम करती है। लेकिन जिनका शुगर लेवल अधिक रहता है, बीपी जिनका अलग ज़्यादा रहता है, तो उस कारण से हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो हमारी छलनी होती है किडनी के अंदर, वो वीक हो जाती है और वो हमारे प्रोटीन को रोक नहीं पाती, जिसके कारण से वह यूरिन के रास्ते से प्रोटीन को भी हमारी बॉडी से बाहर कर देती है, जिसके कुछ लक्षण हमारी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वीकनेस हमारे अंदर आ जाती है, हमारी बॉडी में जो खून का स्तर है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा भी किडनी की कुछ बीमारियां होती है जिनके कारण हमारा जो प्रोटीन है वो लीक हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको ना ही तो डायबिटीज़ है और ना ही आपको बीपी की दिक्कत है, फिर भी अगर आपका जो प्रोटीन है वो यूरिन के रास्ते से लीक हो रहा है तो आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में आएं और आप अपनी जो भी समस्या है उनसे डिस्कस करें, हो सकता है कि आपकी जांच करवाई जाए और डॉक्टर आपको बायोस्पी के लिए भी बोल सकते हैं। बायोस्पी एक ऐसा टेस्ट है जो पता लगाता है कि जो हमारी किडनी है वो इस टाइम पर किस स्थिति में है, वो अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं, उसके अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है। दोस्तों अगर हम टाइम रहते लक्षणों को पहचान लेते हैं और एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आकर के अपना इलाज कराते हैं तो आने वाला जो खतरा है उसको हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा और जल्द ही मिलूंगा एक नए टॉपिक पर, एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।